आज हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो मतावलंबी है उनको लड़ाने का, उनमें नफरत फैलाने का कितना बड़ा प्रयास हुआ है। हम सभी ये मानते हैं, सभी धर्म समान है, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो स्वयं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक्ट देख लीजिए, वर्तमान सरकार का कोई भी बिहेवियर देख लीजिए, सभी धर्म समान है। और उसका दूसरा रूप हम अपने शासन कार्य में नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कह के गए, जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब से हर साल वो दीक्षा का आयोजन पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है, भारत के हजारों जगह पर मनाया जाता है, लोग 22 प्रतिज्ञा लेते हैं जो बाबा साहेब ने दिलवाई थी, उसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? कह रहे कि ये बातें बाबा साहेब ने कही थी। बाबा साहेब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई, इसको पढ़ लीजिए, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बीजेपी तो कट पेस्ट करती है, छोटा काट के अपने फायदे की चीज चलाएगी, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी जो काम करना चाहे करे, लेकिन बीजेपी अपना मत स्पष्ट करे। बीजेपी जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहती है नहीं? क्या अभी भी भारत में मूंछ रखने पर हत्या होती रहेंगी? क्या अभी भी घड़ा छूने पर हत्या होती रहेगी? क्या अभी भी घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला होगा? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहन भागवत जी का धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा कि परसों उन्होंने स्वयं हमारे इस दुख को अपने वक्तव्य में शामिल किया। जो हमारा हजारों साल का दर्द है, जो जातिगत उत्पीड़न हजारों साल से झेलते आए, उसको उन्होंने अपने वक्तव्य में शामिल किया। उन्होंने कहा कि सबके शमशान मंदिर जलाशय एक होने चाहिए। मैं और उन्होंने ये भी कहा कि सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए।